सभी सेलिब्रिटीज को काफी अलग अलग और इंटरेस्टिंग चीजों के कलेक्शन का काफी शौक होता है और आजकल तो काफी सेलिब्रिटीज के घर पे काफी एंटीक चीजें नजर आती है। हमारे साथ इस वक्त अर्शीन नामदार है जिसके घर पे भी ऐसा ही एक एंटीक कलेक्शन है जिसके बारे में खुद बताएगी। तो अर्शीन, किस एंटीक कलेक्शन के बारे में आप बताना चाहते हो और क्या कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें? इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और ऐसा एंटीक पीस है जिसका नाम मैंने रखा है खुलजा सिमसिम। नाम में ही एंटीकता नजर आ रही है। यस, तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ खुलजा सिमसिम। वाओ, क्या बात है, मतलब ये कुछ अलग ही नजारा है। यहाँ पे सारे नोट्स नजर आ रहे हैं, मोती है, गोल्ड है, ज्वेलरी है और काफी अलग अलग कॉइन्स भी दिख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बताओगे? अम्मी जान कहती है कि सुबह उठो, अल्लाह को याद करो, फिर यहाँ आओ, उसे गौर से देखो। जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे हम शिद्दत से कुछ मांगे तो पूरी दुनिया उसे हमें मिलाने में लग जाती, तो इसे मैं शिद्दत से देखती हूँ, मांगती हूँ, वो हमारे पास आते हैं। और पापा बोलते हैं जब पास आए तब उसे अपने आप पर तो यूज करो ही, पर सोशल वर्क में लगाओ, सबकी हेल्प करो, जितनी हेल्प कर सको मैं, तो उनकी जब दुआ लगेगी तो और पैसे हमारे पास आएंगे। तो सोशल वर्क में लगाते जाओ, उनकी दुआ से पैसे लेते जाओ, लगाते जाओ, तो ऐसे पूरा चलता रहेगा। पसंद तो बहुत कुछ है मुझे इसमें। ये जो है आप देख सकते हैं इंडियन करेंसी है, यूरोज है, पाउंड्स है, रियाल्स है, तुमान्स है, वर्ल्ड वाइड में सब है, जैसे कि ये डायमंड्स है, हीरे, मोती, पैसे, जेवरात, सब वर्ल्ड वाइड की चीज़ें हैं। ये आप इंडियन करेंसी देख सकते हैं, ये रियाल्स है, ये ईरानियन करेंसी है, डॉलर्स है, पाउंड्स है, यूरोज है, ये दिराम्स है, पुराने गांधी बापू है यहाँ पर, ये हजार की भी नोट है। ये तो अर्शीन अब हमें उसके कॉइन कलेक्शंस के बारे में बताएगी, कौन से कॉइन्स है और क्या कुछ, कितना कलेक्शन है आपके पास? वाओ, इंटरेस्टिंग। बहुत सारे कलेक्शन है मेरे पास, 1947 के, 1950 के, 1970 के। ये 1994 का कॉइन है, ये 1994 का डॉलर है, ये अरब की करेंसी है। ये वाला जो है ये 1947 का है, ये वाला जो है वो 1945 का है। सो ये मेरे पुराने कलेक्शन। शौक आप पर कैसे चढ़ा और कब से ये आप कलेक्ट करने लग गए कॉइन्स, करेंसीज, नोट्स? मतलब ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था जब मैं छोटी थी। अब अगर ये किसी के भी पास मुझे दिख जाए तो मैं बोलती थी कि ये कॉइन प्लीज़ मुझे दे दो, उसके बदले जितने भी पैसे चाहिए, उसके इक्विवेलेंट पैसे होंगे वो आप ले लो, पर ये कॉइन मुझे दे। अभी आपके पास टोटल इतना सारा कलेक्शन है कि आप और भी कर रही हो? और कर रही हूँ, और कर रही हूँ, और कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कलेक्शन की। तो अर्शीन, कब से, मतलब कौन सा वो टाइम था जब से आप ये कलेक्शन करने लग गए? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मुझे रेड कलर बहुत पसंद था, पापा की वॉलेट में जितनी रेड नोट्स दिखती थी मैं सब ले लेती थी। वो एक्चुअली 20 रुपीज़ की नोट होती थी, पर उसके बाद
1000 rupees की नोट है, तो मैंने एक दिन देखी वो, तो मुझे समझ नहीं आया वो 1020 है। लाल नोट दिखी तो मैंने बस दो खींची, तो फिर पापा शूटिंग में चले गए। पापा वापस आए, अरे मेरे 2000 का मैं किस तरह लेके जाए। फिर मम्मा ने बोला मैंने तो नहीं लिए। अरे कहाँ गए? फिर मम्मा ने बोला पूछो ये लेती है ना, तो बोला कि कहीं लाल नोट नहीं थी। बोला हाँ ये देखो ये दो ली थी मैंने, लाल नोट ला ली है ना। तो बोला कि नहीं। फिर मुझे समझाया गया कि ये सारी जो रेड नोट होती है वो ऐसी 20 की होती है, ऐसे 1000 की होती है। तो तब से मुझे कलेक्शन का बहुत शौक। सारे अलग अलग कॉइन्स किसने दिए हैं आपको इतने साल पुराने? इतने साल पुराने मतलब अगर किसी के पास दिख जाए तो हाँ मुझे चाहिए प्लीज। या तो इसके इक्विवेलेंट पैसे ले लो, जितने पैसे चाहिए आप ले लो, पर मुझे एक कॉइन दे दो। और किसी एंटिक चीजों के कलेक्शंस का शौक है अर्शीन? बहुत शौक है। मतलब ये देखिए, ये एक जो है लकी स्टोन है हमारा, जो ईरान में जब हम गए थे तब हमें ये मिला था, एंटीक स्टोन। थैंक यू सो मच अर्शीन, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी यूनिक, काफ़ी एंटीक कॉइन्स का कलेक्शन हमने देखा अर्शीन के पास। अर्शीन कुछ कहना चाहती हो जाते जाते? हाँ, जो भी मेरी तरह ये पुरानी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, ओल्ड चीज़ें, मतलब जो हमारे परदादा सब थे वो कह के गए हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। तब आपके पुराने रिश्ते हो, पैसे हो, सबको आप अगर संभाल के रखोगे तो आपके रूट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और आप ज़्यादा ग्रो करोगे। इसी तरह आप भी कलेक्शन कीजिए, रिश्ते हो या पैसे, जैसे अर्शीन ने कहा, सभी को संभाल के रखिए। विजुअल सुरेंद्र जाधव के साथ पूजा नवा थे, न्यूज़ नेशन मुंबई।